नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकर एड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सभी SMS मैसेज से बहुत फेमिलियर है और हमें SMS मैसेज सेंड करना आता है। हमें पता है कि SMS मैसेज क्या होता है। जब से मोबाइल का इन्वेंशन हुआ है तब से हम SMS मैसेज सर्विस को यूज़ करते आ रहे हैं और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि SMS मैसेज सेंड कैसे होता है? हम तो सेंड कर देते हैं, लेकिन कैसे सेंड होता है, क्या प्रोसीजर इसके पीछे? दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो बस जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, SMS मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एक कम्युनिकेशन मेथड है जो कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए कम्युनिकेट करता है दोनों फोन के बीच में। SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसमें जो शॉर्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट। मतलब हम एक SMS में 160 कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हैं, उसमें नंबर्स, लेटर्स और सिंबल इंक्लूड है। और अदर अल्फ़ाबेट्स के लिए, जैसे कि चाइनीज़ हो गया, जापनीज़ हो गया, उसके लिए मैक्सिमम साइज़ है 70 कैरेक्टर्स पर SMS। तो ये SMS सेंड कैसे होता है, इसके पीछे क्या प्रोसीजर है? जब आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो, कुछ कॉल नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका फ़ोन ऐसे ही पड़ा है, आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब भी आपका फ़ोन जो है बात करते रहता है सेलफोन टावर से, सिग्नल भेजते रहता है और रिसीव करते रहता है अपडेट्स पाने के लिए। तो फ़ोन जिस पाथ से, जिस चैनल से कम्युनिकेट करते रहता है, सिग्नल सेंड करते रहता है, रिसीव करते रहता है, उस पाथ को या उस चैनल को कहते हैं कंट्रोल चैनल। जब कोई भी आपको कॉल करता है तब जिस फ़ोन से आपको कॉल आ रहा है वो सेलफोन टावर को सिग्नल भेजता है और सेलफोन टावर आपके फ़ोन को सिग्नल भेजता है और बोलता है कि तुम अपनी रिंगटोन बजाओ। जैसे ही हम कॉल रिसीव करते हैं तब वॉइस फ्रिक्वेंसीज की मदद से हमें सुनाई देता है, हम बोलते हैं तो वो वॉइस फ्रिक्वेंसीज की मदद से आगे वालों को सुनाई देता है। तो SMS मैसेज के लिए भी कंट्रोल चैनल पाथ प्रोवाइड करता है। तो जब कोई आपको SMS मैसेज सेंड करता है तो सबसे पहले वो SMS मैसेज SMSC में जाता है। SMSC मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर। SMSC एक पोर्शन है वायरलेस नेटवर्क का जो कि SMS ऑपरेशंस को हैंडल करता है। देन फिर SMSC के बाद वो जाता है सेलफोन टावर में, देन सेलफोन टावर से हमारे फ़ोन में आता है SMS मैसेज। ऐसे ही जब आप किसी को SMS मैसेज सेंड करते हो या फिर अपने फ्रेंड को SMS मैसेज सेंड करते हो तो वो SMS मैसेज सेलफोन टावर के थ्रू SMSC में जाएगा, फिर SMSC से आपके फ्रेंड के फ़ोन पे वो मैसेज चला जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।